सेकेंड लेक्चर कॉमिक एक्टर एंड आज इसे फिनिश करते हैं। ओके तो ये रहा रेफरेंस जिसको देखकर हम लोग बना रहे मॉडल, और ये रहा हमारा मॉडल जो हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी इस पे ये नेल्स का पोर्शन चलना है। ठीक है, अभी उसको कंप्लीट करते हैं। से इसको क्यूब कर लिया और इसको किया 8 रखा मैंने। मेश टूल को बाहर करो, सेलेक्ट कन्वर्ट सिलेक्शन एंड इसको वे सेलेक्ट कन्वर्ट सिलेक्शन एंड इसे बाहर करो। वर्टेक्स सेलेक्ट किया, टू फेस एंड डिलीट। ठीक है, इसको ये करो, मेश स्मूथ डब्ल्यू क्लिक किया, शॉर्ट सिलेक्शन ऑफ किया, ये हो गया। तो इसको बस थोड़ा सा मैं बिल्ड कर दूँ। अभी ये बनेगा उसका फिंगर। ओवरऑल स्केल करो और उस जगह पे प्लेस कर दो। तीन तीन के ग्रुप में है ये। एक कंट्रोल डी बाजू में, इधर कंट्रोल डी और एक इधर वाला रोटेट करो ऐसे, इसको रोटेट करो इधर -90 ऐसा करो।
तीन तीनों को सेलेक्ट किया, मैच कॉम्बाइन, एडिट डिलीवरेबल टाइप हिस्ट्री, फाइल सेव सीन एज, कंट्रोल डी, कॉपी करो। अब सेम फिंगर तीनों लेग्स में है, दोनों सेलेक्ट किया, मैच कंबाइन मॉडिफाई सेंटर पिवोट, ठीक है। और आगे का एज यूजुअल डी प्रेस करेंगे, उसको सेंटर में लेकर आएंगे, एडिट डुप्लीकेट स्पेशल, इससे माइनस है, अप्लाई, अपने आप जगह पे चला गया, थोड़ा सा आप पीछे करेंगे, मॉडिफाई सेंटर पिवोट, वायर फ्रेम ऑन करो। और इसमें लाइन पे देखो, ये इससे अंदाजा लगाओ कि ये क्यूब में कहाँ पे है और ये क्यूब में कहाँ पे है, और आगे आएगा, ठीक है। तो नेल्स भी हो गया, अभी इसका ये रो का पोर्शन कर लो, उसके लिए यहाँ पे एक ये रो टॉरस जो ऑब्जेक्ट है, रोटेट करो इस पैसे 0 0 और ये 90 पे, ठीक है, इसे बड़ा करो, इसको इस डायरेक्शन से इस पे काम करो, इस पे रोटेट कर दो, क्योंकि ये ऐसे करना है, ठीक है। इस डायरेक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आओ और इसको ये पतला कर, ऐसा तो ये आपका रो का काम करेगा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, तो इसका रेडियस और कंट्रोल, रेडियस कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्लिक कर रहा हूँ, जीरो पॉइंट जीरो फाइव 0.03 पे इतना जा रहा है, रेफरेंस पे के हिसाब से थोड़ा और एक कम जाएगा, 0.02 ये, जैसे आप 3 प्रेस करोगे ये ऐसा हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो इसको जगह पे लिया, थोड़ा और कम करो ये, ठीक है, कंट्रोल डी, और जो ये है इसको बॉडी के अकॉर्डिंग ऐसे रोटेट कर दूँ, ठीक है। 5 प्रेस करो, फिर 1 4 बॉडीज में, इसको भी थोड़ा और ऐसे ऊपर कर दो, और इंसर्ट इज में, अब यहाँ पे अभी मैं बॉडी पर लाइन दे रहा हूँ,
अब इस रोग पे आ जाओ, बॉडी एडिट रिविटल बाय टैपेस्ट्री फाइट सेव सीनेस वर्टेक्स मोड में आओ। ठीक है, पहले तो देखो कि वो इसके बॉडी पे जा रहे हैं कि नहीं इसको, और फिर वो बॉडी को रेफरेंस में डाल लो और ये ऑन कर दो, फिर तो दिखेगा कि कहाँ पे तुम चला रहे हो। ठीक है, अभी क्या तो इस पर साइड से ऐसा मॉडिफाई सेंटर की वर्क। अब इसको वर्टेक्स पकड़ के बाहर निकालना है। ठीक है, वर्टेक्स मोड में आओ और ये देखो जो अंदर गया, ठीक है, इधर से सेलेक्ट करो, ये बी से एरिया ऐसे थोड़ा बड़ा, देन आर से ये साइड वाले से ये थोड़ा सा बाहर करना है, दोनों साइड हो गया। ठीक है, बराबर गया W3, थोड़ा सा एरिया और बढ़ा के इसको नीचे कर दो। ठीक है, ये हो गया। अभी वर्टेक्स मोड में आएंगे, ऐसे होल्ड करेंगे, अगेन बी एरिया थोड़ा और बड़ा, यानी इसको ये उस शेप पे बिठाने का। कंट्रोल बी, इसको भी इसी जगह से करेंगे सेम। ठीक है, रोटेट करते हैं ऐसे, स्केल किया और फिर वर्टेक्स से सेम चीज। ये जो अंदर जा रहा है इसको भी थोड़ा नोटिस करना है कि कुछ भी चीज़ें ऐसे ही ना हो, ऐसी ऐसा कोई भी लगे नहीं कि वो बॉडी के अंदर जा रहा है। ठीक है, बिकॉज वो रोप है। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कंट्रोल डी। ठीक है, और उसके बाद रोटेट किया इसको इस डायरेक्शन में, आर से स्केल, वर्टेक्स में आएंगे, ये बी होल्ड करके थोड़ा इतना बड़ा उसके से पीछे जा गए एकदम प्रॉपर जैसे वो रेफरेंस पे,
और इससे से बाहर भी निकाल पाओ। योग्य और फिर इसको करना है। स्केल करो जगह पे। ये अपने जगह पे ऑटोमेटिक चल गया, इसमें स्केल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने वर्टेक्स को ऊपर उठाया है और रोटेट करो ऐसे ये जगह पे। ओवरलैप कर रहा है तो ये चीज देखना है, ठीक है, कि वो ओवरलैप ना करे, थोड़ा सा आगे पीछे कर ले। एडिट डायरेक्टर का टाइप हिस्ट्री फाइल सेव सीन एज। अभी एक ग्रुप से ये, ठीक है, जिसे जिसपे ये बर्ड है, तो ये बर्ड भी अपने को क्रिएट करना है, ठीक है। सबसे टफ चीज इसका अभी बचा हुआ है और इसके बॉडी पे जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, सिलेंडर ले लो। एक रोप के बीच में इसको लाना, ऐसा वर्टेक्स में आया, फोर प्रेस किया सेंटर पर, ये फेस एंड डिलीट। अभी ये बर्ड बनाना है, ठीक है, ये और भी इजी है। एक स्फेयर लो ऐसा, ओ सॉरी, ये बॉक्स लो, वर्टेक्स
वर्टेक्स लो और ये डेल का तीन वर्टेक्स पकड़ो इधर से, ये तीन, ठीक है। बी स्टॉप सेक्शन से ऑन करो इतना बड़ा करो, एंड देन आर से ये इतना छोटा, ठीक है। बी ऑफ करो, जैसे थ्री प्रेस करोगे यू विल गेट दिस शेप, देखो, ठीक है। साइड से उसको ऐसा फैलाया, ठीक है। अब ठीक है, बी से वो ब्रेक हो गया, ठीक है, जहाँ पे आपका आईज के लिए चीजें बनेंगी। अभी कन्वर्ट टू वर्टेक्स, एक्चुअली वर्टेक्स में जाकर पूरा ही सिलेक्ट कर लिया। सरफेस स्कल्पचोमेट्री ब्रश बहुत बड़ा है, छोटा करो। ये जो अपने को दिखाई दे रहा है ये वन साइडेड है, ठीक है, अगर सिर्फ इधर का हुआ, दूसरे साइड का भी करना है। देन थ्री, ठीक है, आईज के लिए फेस ये चार को लेना है, ठीक है। वर्टेक्स थोड़ा सा यहाँ कर दो, एक दो तीन चार, ये देखो ये इधर हो गया है। इंसर्ट है सेंटर में एक लाइन डालो, फेस आगे हम क्या करेंगे आइडिया है ऑलरेडी सबको, ठीक है। तो फेस जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं फेस में हो रहा है, एडिट डिलीट ऑल बाय टाइप हिस्ट्री फाइल सेव सीनेस, एक्सट्रूड मारो, आर से स्केल करो, ये वर्टेक्स में आओ और ये जगह पे कर दो। एज यूजुअल ये फेस को इसे थोड़ा बाहर, ठीक है, जब थ्री करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और जो फेस सिलेक्टेड है उसको डिलीट कर दो, तो ये देखो ऑटोमेटिक ऐसा शेप आ गया जो उसके आई बॉल का था। वन प्रेस करो, एक्सट्रूड डब्ल्यू ऐसे अंदर करो, ये डब्ल्यू थ्री सी, ठीक है।
आई वॉन्ट बी लाइक स्फीयर लो ये सामने से आप रिपीट करो 90 के लिए 20 को 12 कर दो और यहाँ पे लेकर जाओ और इसको इसके अंदर बैठाना है ठीक है यहाँ पे बट ऐसा तो होगा नहीं ये ऐसा है ठीक है ठीक है तो अभी जो दिखाई दे रहा है ये ऐसा होना चाहिए। अभी बॉडी को कॉपी कर देते हैं, एक सेकंड बॉडी के पहले ये भी बना देते हैं, ये दिखाई दे रहा है ये चीज ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, फेस में आओ और इस जगह से एक्सट्रूड करो आर से स्केल उसी जगह पे, ये आगे भी कर सकते थे मैंने यहाँ किया है ठीक है, और एक्सट्रूड W यहाँ तक क्लिक करना है इंसर्टेज एक दो ठीक है, तीन ब्लॉक किया है इसमें, एक X2 W तो इतना ठीक है, एक सेकेंड कंट्रोल B फ्रैक्शन कम करो इतना ये के बीच में एक लाइन जैसे थ्री प्रेस करो ये देखो पूरा वो शेप मिल गया ठीक है। अब इन तीनों को थोड़ा सा एक्सट्रीम कर दो, जैसे ही थ्री करोगे तो मैं वो चीज मिल जाएगा जो हमारे रेफरेंस में है। तो इसका ये पोर्शन ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसका दांत यूज कर सकते हैं, सेम चीज है इसमें। ओके कंट्रोल डी कॉपी करके ऊपर लेकर आया, फेस में आया, डिलीट डिलीट ये रखा, मॉडिफाई सेंटर पिवोट वन वर्टेक्स में आके उसको फिर बस रेफरेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना। फेस में आओ डिलीट
एक्सट्रूड डब्ल्यू ये बॉडी को कॉपी कर लेते हैं जरा। देखो लाइन बीच में नहीं है। एडिट डुप्लीकेट स्पेशल अप्लाई। ओ सॉरी एज सेलेक्टेड था। अप्लाई क्लोज। दोनों को सेलेक्ट किया। मेश कंबाइंड मॉडिफाई सेंटर पिवोट एज कन्वर्ट टू वर्टेक्स और फिर मेश टू एडिट मेश में आकर मर्ज ये और 100 पे मर्ज कंट्रोल जेड। ये कम डिस्टेंस में है तो मर्ज एडिट मेश में आके 0.0 अप्लाई। ठीक है तीन नंबर चलो। इस साइड से वर्टेक्स को जल्दी पकड़ना से प्रॉपर स्ट्रेट आई जैसे उधर है कंट्रोल डी इस बर्ड पे ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं अभी दिखा रहा हूँ इतना सेलेक्ट करो ये एरिया एक्चुअली आईज वाला छोड़कर इसमें आया सरफेस स्कल्प ज्योमेट्री ब्रश इतना बड़ा रहता है जैसे ये करोगे ये रहेगा एक जो राउंड शेप होता है ना वो हमें मिल जाएगा। आप ठीक है और जब ये हो जाएगा उसके बाद क्या होगा तुमको उस शेप पे बिठाने का मतलब इसको इस पे ये हमने क्यों किया वो बहुत डब्बे जैसा लग रहा था बॉक्स जैसा लग रहा था। ठीक है तो उससे प्रिवेंट करने के लिए किया उससे बचने के लिए इसलिए मैंने आइस का वर्टेक्स को सेलेक्ट नहीं किया था। ठीक है पहले होता था बॉक्स जैसा लग रहा था। ठीक है अभी थोड़ा अलग है। वन फेस में हो एक दो एक्सट्रूड आर से ऐसे सेंटर में कुछ चीजें आपके रेफरेंस पर नहीं होंगी। ठीक है फ्रंट से देखो ये थोड़ा बाहर ज्यादा है बर्ड बर्ड का लेग्स है और यहाँ कुछ ऐसा है ये भी कर देते हैं तो
बॉक्स लो, बॉक्स को ऐसे छोटा करो, यहाँ पर रखो। अगर मैंने वो जो फ्लावर वाला एक क्रिएचर बनाया था लेडी, और वो कुछ कहा भी ऐसे समथिंग था, अगर वो लेक्चर पे किसी ने वर्क किया तो उसको पता होगा मैं अभी क्या कर रहा हूँ। ठीक है, साइड करो और इसको डिलीट करो, लाइन को डिलीट करो, इसको एक जगह पे लेकर आओ, सेंटर से मॉडिफाई सेंटर पिवट, कट टू कट बीच, ये रहा। ठीक है, वन बार से ये सेंटर में करके इसको बीच में कटिंग करते से। अभी इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसका ये पोर्शन को डिलीट करो, अभी उसको वहां पे रखो। अब आपको वर्टेक्स में जाना है और फेस को ऐसे मैच कराना है उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग। डिवीजन के टाइम हार्ड बहुत ज्यादा लाइंस नहीं लेने, वो मैच करने में फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इतना करने के बाद जहाँ पे नीड आएगा लाइन ऐड करने का, वहाँ पे लाइंस ऐड करेंगे। ठीक है, जब ये करना तो फिर ऊपर पे ये चार वर्टेक्स पकड़ो, सबके चार बी होल्ड करो, एरिया ऐसे बढ़ाओ, आर से स्केल ओवर में साइड से ये ऐसा, फिर बी ऑफ करो, देन यू विल गेट दिस। ठीक है, और इसको ओवरऑल ये कर ऐसा। अभी इसका पैर पैर और भी इजी है, यहाँ से ये ले लो,
ठीक है, चला गया जगह पे, वो एज में आओ, एक दो तीन चार, डिलीट। वर्टेक्स में आओ, डिलीट। ठीक है, फेस में आओ, ये अभी जो आपको मिला है आपको ये यूज करना है। बी ऑन करो, ये ब्रश छोटा करो, इसमें ये करो। अपना रेफरेंस का जो डंडी है वो खींच लाएगा यहाँ पे, और थोड़ा सा जाड़ा भी हो जाएगा ये। और जो ये एरिया है इससे ही आपको ऊपर की तरफ ये निकालना है। एडिट डिलीट ओवर टाइप हिस्ट्री फाइल सेव सीन एज, फेस एक दो, बी ऑफ कर लो। ठीक है, अगली जगह से स्ट्रूड डब्ल्यू ऐसा, और आर से एकदम ऐसे छोटा इंसर्टेड, बीच में एक एज ऐड करो, सेलेक्ट करके ओवरऑल स्केल कर दीजिए। ठीक है, प्लीज फेस को पकड़ो, एक दो तीन चार, एंड थोड़ा ये कर, और ओवरऑल नीचे इस बॉक्स के अंदर लाकर डिलीट करो। ठीक है, और फिर वर्टेक्स लाकर इतने को होल्ड करते हैं सेंटर में जाओ। जब थ्री प्रेस करोगे यू विल गेट दिस। ठीक है, तो देखो रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्रेडिट रबर टाइप हिस्ट्री फाइल सेव सीन एज। फ्रंट से ऐसा दिखेगा, साइड से ऐसा दिखेगा, ऐसा इमेज पे है। ठीक है, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इसमें जो बाकी है वो है इस ऊपर का जो ये शेल्स वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये अलग से क्रिएट कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, इसको अलग से क्रिएट कर, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है, एंड डेफिनेटली दिस विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, पहले तो इसका एक कॉपी करो, कंट्रोल डी, और एक नए लेयर में ले लो, बाकी को हाइड कर दो। इस पे आ जाओ, विच मैंने हाइड किया यहाँ पे रखो, ये मैंने कॉपी किया है बॉडी का। ठीक है, अभी आपको इस पे मेश स्मूथ ये, ठीक है, तो वो लाइंस डबल हो गया। ठीक है, डिवीजन टू करोगे तो और माइनर हो जाएगा। ठीक है, तो डिवीजन टू भी कर सकते हो, वन भी कर सकते हो, मैं टू पे रख रहा हूँ या वन पे देखते हैं। थैंक करिए पीसी भाई, और शायद मेरे को पता नहीं मैंने कितने पहले सेव किया, क्योंकि जब ऐसा हैंग होता है तो ये फोर पे चला गया डिवीजन, इसके लिए हैंग हो गया। देखो वन इंटर ये। ठीक है, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए तो मैं वन पे ही रख रहा हूँ। ठीक है, डब्ल्यू। अभी आपको क्या करना, वो फेस सेलेक्ट करो जिस फेस से ये चीजें निकालनी है आपको। ठीक है, सबसे पहले तो एज को सेलेक्ट कर लो, ये इस एज पे होगा। ठीक है, ऐसा, फिर इस पे होगा, और फिर इस पे होगा। ठीक
ठीक है, और भी जो ए सेलेक्ट हो गया है, ठीक है, सिलेक्टेड एज पे आपको करना है कंट्रोल प्लस बी, ठीक है, ये जो आया आपके सामने, ठीक है। बी कंट्रोल प्लस बी, और सॉरी थ्री, फ्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ाते हैं, एज कंट्रोल बी, फ्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है, एंड डब्ल्यू फेस में आ जाओ, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसा हो, ऐसे सिचुएशन में, तो मैनुअली लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ ये आपको पता चलेगा, कंट्रोल बी, फ्रैक्शन बढ़ा कर देखो इतना ही हो रहा है, तो अपने को ज्यादा चाहिए, कंट्रोल जेड का इंसर्ट एज, एक यहाँ पे ऐसे लाइन इतना डिस्टेंस में ये, ठीक है, और एक इस लाइन पे ये, और बीच वाला लाइन डिलीट कर दो, ठीक है। ये भी मैं क्या कर रहा हूँ आपको पता चलेगा, पहले आप सिर्फ देखो, एक को ये ऐसे क्यों जा रहा है, एक लाइन में यहाँ से कंट्रोल जेड टॉप एंगल से आता है, देना तो इनसे पड़ेगा, बट तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और इंसर्ट एज में आओ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एज होता है उसको ऐसे हटाना होता है, और मल्टी कट ऑप्शन में आकर जो लिंक टूटा है उसको ऐसे वेल्ड करना होता है, जो लाइन है मल्टी कट ऐसे क्लिक करो और दूसरे के जगह पे ऐसा क्लिक करो, तो वो लाइन जुड़ जाएगा, जब आप क्लिक प्रेस करोगे तो ये विल गेट दिस थिंग, ठीक है। तो ये जब हो जाएगा तो बीच वाला लाइन डिलीट, ठीक है, डिलीट वन, ओके। अभी इन दोनों लाइन पे करना है, ठीक है, एज पे आ जाओ, इस लाइन पे, ये लाइन कहाँ है, ये वाला है, ठीक है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इंसर्ट एज में आइए और यहाँ पे एक लाइन दीजिए, ठीक है, नसीब से ये लूप में था तो एक बार में दोनों चला गया, ठीक है, ये हो गया। अभी इसके बीच में आना है, ये आ गया इसके बीच में, ठीक है, ये पोर्शन, एक लाइन यहाँ पे दीजिए और एक लाइन यहाँ पे, फिर ये और फिर ये, ठीक है। अभी क्या करना है, तो इस वाले में ये वाली चीजें बना ली, ठीक है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऐसे सेलेक्ट करो यहाँ से, एक जैसे ये सेलेक्ट हुआ, ठीक है, दो छोड़ के करो, टेल्स पे ज्यादा होता है तो टेल्स पे लास्ट होके एक छोड़कर, और जो सेलेक्ट हुआ है ये, ठीक है, एक्सट्रूड डब्ल्यू, पहले ऐसे ऊपर उठा फिर ऐसे पीछे रह जाओ, ऐसे नीचे की तरफ लेकर बाहर लेकर आओ, ऐसे नीचे की तरफ, और ये, ठीक है, ऐसे। अभी आप क्या करो, मैन्युअली जितने भी हैं उसको बाहर करो, ये बाहर ऐसे, ठीक है, और शॉर्टकट के चक्कर में ना जाएं, और बिगनर्स, ठीक है,
इसको बीच से डिलीट डिलीट। अभी क्या हम लोग हाफ पे काम करेंगे, बाकी हाफ कॉपी हो जाएगा। सेलेक्टेड नहीं है, जैसे थ्री करोगे यू विल गेट दिस थिंग। ठीक है, ये देखो यहाँ पे शायद एक रह गया है। ठीक है, अब ये चीज सेंटर वाले पे भी जाएगा इस पे। ठीक है, और जो सेंटर वाले वो बहुत बड़ा बड़ा है पीछे, ठीक है आगे कम है। सेंटर वाले के यहाँ से सेलेक्ट करो इस जगह से, और ये दो नहीं ये एक पे ही। और ये टेन के लास्ट तक है, लास्ट जो सेंटर वाला एक्सट्रूशन है। ठीक है, ये चीज अभी इतना जो सेलेक्ट किया है आप इसको सेम एक्सट्रूड करो डब्ल्यू से बाहर और ये ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये चीज तो इतना तक तो ठीक है, लेकिन बाकी आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। और जब बाहर निकालो उसी टाइम ऐसे स्केल कर दो उसको, ये तो क्या वो पॉइंटेड दिखेगा। ठीक है, ये एक दो तीन नकिन जो अंदर का ये है उसको फिर बाहर निकालेंगे। वन ये बाहर आया। ठीक है, आपको कुछ ये पर रिवर्क भी करना होगा। ठीक है, रिवर्क मतलब होता है उसको फिर से उस पर काम करो, मतलब एक बार में वो चीज़ें जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं मिलता है। ठीक है,
इसमें है, इसको बाहर। और एक और है जो कि है ये, ठीक है। जैसे आप थ्री प्रेस करोगे ये भी कर प्रेस दिन देखो, जिससे बॉडी का दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी करना क्या है, वन प्रेस करो, फेस में आओ, लिफ्ट, डिलीट, डिलीट, ठीक है। आइडिया हो गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ, राइट। डिलीट, ठीक है, ये हो गया उसके ऊपर का वो चीज, ठीक है। तो इसको एक बार जरा कॉपी कर लो, मतलब डुप्लीकेट स्पेशल, कंट्रोल डी और यहाँ पे एडिट डुप्लीकेट स्पेशल कॉपी, ठीक है। ठीक है, और सेंटर में एक ही होगा, और कंट्रोल डी, मॉडिफाई सेंटर पिवट। ये सबसे इजी तरीका है ऐसे अलग से बनाकर फिर उसको वहां पर प्लेस करना। बॉडी ऑन करो और जगह पे देखो, ये देखो इस चीज को अगर हम लोग अलग से बनाने जाते तो बहुत ही ज्यादा ये टाइम कंज्यूम होता और फिर मेहनत भी लगता है, टाइम जाता है, ये चीज है, ठीक है। अलग से बनाया और वहां पे प्लेस कर दिया, ऑटोमेटिक वो प्लेस हो गया क्योंकि सेम बॉडी पे हमने वो चीजें बनाई थी, ठीक है। अच्छा, जब बनने के बाद ना इसको थोड़ा अंदर पुश करना, मतलब कि ये, ठीक है, इसके बीच का जो ये पट्टी है ना वो दिखना नहीं चाहिए। तो या तो उसको मैनुअली डिलीट कर दो या तो उसको ऐसे अंदर कर दो, अब तो ये दोनों सिचुएशन में वो अच्छे ही दिखेगा, ठीक है। ये रहा हमारा मॉडल फिनिश फ्रॉम रेफरेंस। ठीक है, चूंकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये चीज टेक्सचर के बाद आएगा जैसे मॉडल में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इमेज को जरा अलग से देखें, ओके। तो जैसे ये कलर है ये चीज़ है टेक्सचर में आता है, ठीक है, जब इसको प्रॉपर अनरैप करते हैं तो। रेफरेंस के लिए इसको कलर दे सकते हैं, बट हम लोग इस पे मॉडलिंग का पार्ट फोकस करें, ठीक है। तो मैं ग्रिड भी ऑफ कर रहा हूँ, तो अब आप देखो हर एंगल से ये मॉडल कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। साइड से ये कुछ ऐसा है, ये बैक से है जो कि फ्रंट होना चाहिए, मतलब टॉप है, और ये हमारा पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो जैसा रेफरेंस है एक बेस कलर दे देते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस।
शो में इमेज प्ले, ये हमारा रेफरेंस है और ये मॉडल है, ठीक है। विंडो रेंडरिंग एडिटर हाइपर शेड असाइन न्यू मटेरियल लेम्बर्ट, लेम्बर्ट 2 है। बढ़ गया उस कलर का। लेम्बर्ट और इसमें गया और रैम, क्योंकि वो ग्रेडियंट में था, और रैम पहले 6 प्लेस कर लो तो रैम दिखेगा, ठीक है। और आई ड्रॉपर से रेफरेंस पर क्लिक करो तो एग्जैक्ट वही कलर वो क्लिक करेगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई है कि आपको ये चेक करना होता है कि वो किस पे मैच कर रहा है। साइन न्यू मटेरियल कंप्लीट। ओए छूट गया। साइन न्यू मटेरियल ब्लिंक कलर व्हाइट और इसके बीच में वर्टेक्स में और वो ऐसा है, तो दोनों को एक कर लो मैश कंबाइन एक दो सेलेक्ट कन्वर्ट सिलेक्शन टू फेस, ठीक है। साइन न्यू मटेरियल ब्लिंग अगेन तो ये रेफरेंस हो गया इसका। देन इस पे आते हैं, इस पे राइट क्लिक असाइनिंग मटेरियल ब्लिंग इस पे आ जाओ एंड ये देखो इसका एक पोर्शन इसमें जा रहा है, ठीक है। फेस मोड में और डबल, ओए सॉरी इसमें नहीं, इस पे फेस मोड में और डबल क्लिक करो सिर्फ एक पे, ओके तो भी फिर सेलेक्ट हो रहा है ऐसे में, तो सेलेक्ट करो आगे करो ऐसा, ठीक है। ये
वर्ड सिलेक्शन, ये टू फेस वर्टेक्स टू फेस ये मैं दिखाने के लिए से कर रहा हूँ, ठीक है, ये कलर वाला पार्ट, क्योंकि जब टेक्सचर होता है तो ये एक्सेप्ट ऐसा ही दिखेगा जैसा आपको मॉडल में दिख रहा है, बिकॉज ये मॉडलिंग के लिए है, इसलिए मैंने इसमें टेक्सचर का पार्ट नहीं किया है। साइन नहीं मटेरियल लंबर, बिकॉज नेल शाइन नहीं करता है। इस पे साइनिंग मटेरियल और इस पे मैं पूरा ही ले रहा हूँ, ये दोनों भी साइनिंग मटेरियल और लेम्बर्ट अगेन, इस पे गया रैम, तो ऑटोमेटिक दिख रहा होगा रैम कैसे डिवाइड हो गया कलर, ठीक है, जो एक ग्रेडियंट की तरह, ठीक है, तो वो चीज़ पे थोड़ा वर्क करना है अभी। इस पे क्लिक करते हैं, आई ड्रॉपर पर क्लिक करते हैं, यहाँ से ये कलर पिक करते हैं, सबसे लाइट वाला कलर पिक करना है, ठीक है, सबसे लाइट जो है, जैसे ये डार्क, ये देखो नीचे डार्क है, ये लाइट है, तो ये रहा सबसे लाइट, डन। और उसके बाद इस जगह पे ये वाला, ठीक है, जो कि नीचे रहेगा उसमें, इसमें भी लाइट करना है, ये ठीक है, बीच में यहाँ पे क्लिक करना है और ऐड करना है, यहाँ पे आई ड्रॉपर अभी सबसे डार्क की है, ठीक है, अभी इन तीनों को मैनेज करना है, कैसे देखते हैं आगे, ठीक है, ये जो है इसके अभी आपको चेक करो जरा, पहले तो इनके जो लेग्स हैं उनके लिए मैंने अलग से मटेरियल लगा कर रखा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मटेरियल, कौन सा हुआ, रुको जरा वापस जाते हैं यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट में ये मटेरियल सिलेक्टेड है, ठीक है, अलग अलग हाथ को इतना सेलेक्ट कर रख करके रखा है, इस हाथ को अलग सेलेक्ट करके रखा है, इतने का अलग अलग मटेरियल लगाया है, ठीक है, तो पहले हाथ पे आते हैं, ठीक है, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मटेरियल, असाइन न्यू मटेरियल लंबर्ड, और पहले तो इसका कलर अप्लाई कर देते हैं बेसिक वाला, मतलब कि ये, ठीक है, उसके बाद फिर इस पे आते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मटेरियल ये लेग्स, तो लेम्बर्ट 5 है, असाइन मटेरियल टू ऑब्जेक्ट, फिर ये अभी देखो मैंने अलग अलग लेग सेलेक्ट करके रखा है, तो ये मेरे को ईजी पड़ रहा है, ठीक है, मैं अगर मैं बार बार फेस में जाऊँ फिर सेलेक्ट करूँ, लेग्स हो गया, अब भी बॉडी पे आता है, ठीक है, बॉडी होगा, ओके, ये अभी इस पे यहाँ पे आते हैं ब्लिंसिस पे राइट क्लिक, साइन ब्लिंसिस ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो उस पे ये, तो अभी देखो पैर मैच कर रहा है, सिर्फ अपने को बॉडी पे काम करना है, ठीक है, वी रैम डायगोनल रैम रेडियल सर्कुलर, तो अभी हमें ये यूज करना जाना दिखाई दे रहा है, कैसे लाइट वाले को नीचे करना है, लीवर ये इधर, ये अभी जो दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इसको इतना पे रखना है ये, ठीक है, ऐसा बगीचे दोनों साइड मैच करना चाहिए, बीच में कैसे आ गया, ठीक है,
तो आपको इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। ये अगर ग्रेडियंट के साथ खेलना है तो ठीक है, रेस तो प्रॉपर्टी के साथ चेक करो कैसे क्या होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप चीज़ें देखोगे आपको आइडिया होगा, ठीक है, कि आउटपुट में क्या चेंजेस आ रहा है, आपका आउटपुट कैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये था आइडिया कि आपको रफ अगर कलर करना है सिर्फ किसी को दिखाने के लिए तो कैसे करना है, ठीक है, चीज़ें, और मॉडल कैसे बनाते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं वापस सारे कलर हटा रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए किया था कलर पाउच, ठीक है। तो आप लोग कैसे कलर करना है, अगर प्रोडक्ट मॉडल शुड बी लाइक दिस, ठीक है, आफ्टर मॉडलिंग जब प्रॉपर अनरैप होगा तो फिर एक्सेक्ट जैसे ये कलर दिख रहा है वो बनाएंगे, ठीक है। तो ये रहा मॉडल का पार्ट, ठीक है। आई होप कि सबको ये चीज आइडिया आ गया होगा कि मॉडल बना कैसे, ठीक है। मैं आईबॉल पे क्रीम कलर लगा के छोड़ दूँ ऐसा, क्योंकि ये मॉडल अनरैप करना है, इसको अनरैप नहीं करना था इसलिए मैंने प्लेन प्लेन कलर लगा दिया, ठीक है, ऐसा। बट इसको अनरैप करना है, और जो आप देख रहे हो इसको कहते हैं चिकन, इस इमेज को, ठीक है। ये मैं आपको टेक्सचर के टाइम पर बताऊंगा, फिलहाल के लिए आप मॉडल पे काम कीजिए, ठीक है, एज इट इज मॉडल बनाना जो इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, देख, ठीक है। आगे आपके ऊपर है, ठीक है।